फेट हरियाणा देखने और सुनने वाले ने पवन गिल की राम राम हरियाणा। कांग्रेस से पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह की टिकट कटने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहता हूं, जिस दिन विजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिली तब मेरे पास बड़े से बड़े बीजेपी नेताओं के नाम नहीं लूंगा फोन आए। मुझसे कहा कि वैसे माड़ी बहुत हुई है। मैंने कहा कि करना के है, माड़ी हुई हो या अच्छी हुई हो, मेरे साथ इससे भी माड़ी माड़ी बात हुई है। मेरा जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो मेरे वाले ही कहते हैं कि इसको हराएंगे हराएंगे। मेरे नेता राजीव गांधी नहीं रहे, वीरेंद्र जी ने कहा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि टिकट कटने की ये छोटी घटना है, विजेंद्र सिंह की टिकट कटने से बड़ी घटनाएं मेरे जीवन में हो चुकी है। बीजेपी को देख लें, ये कहते हैं कि हमारे लिए तो कार्यकर्ता सबसे जरूरी है, नेता भी कार्यकर्ता। हमने कहा कि वाह भाई वाह, मुझे 5 साल हो गए, हम अब भी नेता नहीं बने, ये भी एक कारण था। मैंने कहा कि छोड़ो बेटा, लोग हमारे साथ चले हैं, लाइन की लाइन चले हैं। मैंने तो देख करके देखा, दिखा दिया न झंडा और न डंडा, जींद की मीटिंग में करके दिखा दिया कि ये लोग जो लोग हैं जो हमारे साथ चलने वाले हैं। दरअसल हिसार से बेटे विजेंद्र सिंह, कांग्रेस का टिकट न मिलने के बाद वीरेंद्र सिंह ने रविवार को जींद में समर्थकों की मीटिंग बुलाई थी। यहां वीरेंद्र सिंह ने इशारों ही इशारों में हरियाणा से विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, मैं सीएम नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मेरा बेटा अब सीएम की दौड़ में शामिल हो गया है। वीरेंद्र सिंह कह चुके हैं कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े भाई जोगिंदर के निधन पर बड़ी संख्या में पूरे देश से बड़े नेता आए थे। तब चौधरी रणवीर सिंह ने कहा था कि लोग कहते थे क्या रणवीर सिंह कभी सीएम नहीं बन पाएगा, आज देखो मेरा बेटा प्रदेश का सीएम है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ का रास्ता NH 152 जींद से होते हुए जाता है। वह कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी सभी को एक साथ लाकर देश और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करेंगे। भाजपा को लेकर वीरेंद्र सिंह ने भविष्यवाणी की कि 400 पार का नारा देने वाले 200 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वह 10 साल भाजपा में रहे, भाजपा में शामिल होते हुए उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा में थोड़ा बहुत फर्क है, बहुत फर्क होगा। 10 साल में वह इस बात को जान गए कि कांग्रेस की सोच किसान मजदूर और देश को मजबूत करने की है, भाजपा की सोच जाति और धर्म के नाम पर जनता को बांट कर केवल सत्ता में रहने की है। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले सर छोटू राम के परिवार ने हिसार सीट पर दावा ठोका था, कांग्रेस ने वहां से उन्हें टिकट नहीं दी, उनकी जगह पूर्व मंत्री जयप्रकाश जेपी को उम्मीदवार बना दिया गया। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह का दर्द इसको लेकर सामने आ चुका है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस कहे या कैंडिडेट मदद मांगे तो मैं प्रचार करूंगा, लेकिन कांग्रेस के लिए वोट मांगूंगा। आपको हमारी यह छोटी सी रिपोर्ट कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।